गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है भाई। ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, हम इस बेसिक ग्रामर में हम मॉडल वर्ब सीख रहे हैं। मॉडल वर्ब का ये हमारा लास्ट सेशन चल रहा है जिसमें हम नीड एवं डेयर का प्रयोग सीख रहे हैं दोस्तों। किसका यूज़ देख रहे हैं? नीड एवं डेयर का। इसमें मैंने आपको बताया कि नीड एवं डेयर को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है ना भाई? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम पिछले वीडियो में मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है ये हम जानकारी ले चुके हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है। कि जब जो है नीड एवं डेयर मेन वर्ब के रूप में आते हैं प्यारे दोस्तों, तब हम नीड के सेंस होता है आवश्यकता और डेयर का सेंस होता है साहस, ये सेंस आता है भाई। और उसके बाद हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि नीड एवं डेयर के बाद इन्फिनिटिव हमेशा क्या आता है? नीड नॉट एवं डेयर नॉट के बाद क्या आता है भाई? नीड नॉट एम डेयर नॉट के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। इतनी बातें हमने जब पढ़ा था कि इनको हम एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जो भी बच्चे पिछला वीडियो ना देखे हों वो जा कर के देखें, तब उनको समझ में आएगा कि हम नीड एम डेयर का प्रयोग कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, है ना भाई? तो बिना पीछे वाला वीडियो देखे हम आगे वाला समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद आज हम नीड और डेयर का प्रयोग किस रूप में करेंगे? ऑक्सिलरी रूप में करेंगे। वही हम यूज नंबर सेकंड लिखाने वाले हैं दोस्तों कि नीड एवं डेयर का प्रयोग जब हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तब ये अपने साथ क्या करती है, कैसे क्रिया लेती है, आइए ज़रा देखते हैं भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, यूज नंबर सेकंड लिखिए भाई, यूज सेकंड। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो जब नीड एवं डेयर का प्रयोग नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। अच्छे से देखिएगा भाई पॉइंट, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत डू डज एवं डिड से, डू डज एवं डिड से किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? डू डज डिड से किया जाता है, होती है। एवं इनके पश्चात इन्फिनिटिव विथ टू होता है। क्या होता है भाई? इन्फिनिटिव विथ टू, यानी कि जब हम नीड एवं डेयर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं दोस्तों, तब हम वहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू लेते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो डू डज से शुरू होती है लेकिन इन्फिनेटिव विथ टू होता है, अपने साथ टू लेता है। ठीक है भाई, इतनी बातें आइए ज़रा समझते हैं, जरा इनको हम स्ट्रक्चर में पिरो दे भाई।
देखिए इनकी शुरुआत किससे होगी, डू डज और डिड से, उसके बाद सब्जेक्ट आए कि नहीं भाई, फिर नीड या डेयर, नीड या डेयर होगा भाई, उसके बाद प्यारे दोस्तों इन्फिनिटिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी बातें होंगी ये हम नीड एवं डेयर को जब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है भाइयों, इतनी बातें, आइए ज़रा एग्जांपल समझते हैं। क्या वह आपसे बात करने का साहस करता है? मैं कह दूं एग्जांपल, क्या वह आपसे बात करने का साहस करता है? क्या वह आपसे बात करने का साहस करता है? तो कहिए भाई ज़रा इसको कैसे करेंगे। ही है, ही हमारा सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है दोस्तों, क्या आएगा, डज आएगा। डज ही क्या साहस है, डेयर बात करने का, टू टॉक, टू टॉक यू, है ना भाई, आई बात समझ में। डज ही डेयर टू टॉक यू, इतनी बातें समझ में आई भाई। जरा दूसरा, क्या उसे दिन रात पढ़ने की आवश्यकता है। अब ये कैसे करेंगे भाई, क्या उसे, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, उसे का ही हमारा सिंगुलर नंबर की क्रिया डज ही नीड, डज ही नीड क्या, टू रीड पढ़ने की, डे एंड नाइट, है ना भाई, रात्रि दिन, डे एंड नाइट। अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करिए भाई, क्या उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता है, क्या उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता है। देखिए भाई बहुत अच्छे से इत्मीनान से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप तो लर्नर, आप तो जो है छात्र हो, एकदम इत्मीनान से सीखिए, एक बार सीखिए और हमेशा काम आए दोस्तों। देखिए किसी भी काम को करिए तो एकदम संतुष्टि से दिल खोल करके प्यारे बच्चों, चाहे वो पढ़ने का काम हो या फिर कोई अन्य काम हो, क्योंकि जब हम इत्मीनान से काम करते हैं तब उसमें हमको इंटरेस्ट आता है, और जब इंटरेस्ट आता है तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं दोस्तों, चाहे जो भी काम हो वो काम आसान हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, क्या उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता है, तो ये क्या करेंगे हम, उसे ही या डज ही नीड, डज ही नीड टू स्टे हियर, डज ही नीड टू स्टे हियर। ठीक है भाई, इतनी सी बातें हो गई, आइए जरा हम
इनके यूज नंबर थर्ड पर चलते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए। आइए भाई, यूज नंबर थर्ड पर आइए, अब थर्ड का यूज देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना का होना अनुचित था, यानी कि घटना नहीं होना था लेकिन घटना फिर भी हो गई, है ना। भूत क्या कह रहा हूँ भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य या घटना को होना अनुचित था, यानी कि नहीं होना चाहिए था वो घटना, लेकिन फिर भी वो घटना घट गई। अभी तक हम जब उड कुड माइट में पढ़ रहे थे तो भूतकाल में कोई कार्य घटना घटित होने की संभावना होती थी और वह कार्य घटना घटित नहीं होता था। लेकिन यहाँ नीड और डियर में क्या है दोस्तों, कि यहाँ घटना जो है घटित होना मतलब होने की अनुचित थी, यानी कि नहीं घटित होना चाहिए था लेकिन वो घटना घटित हो गई दोस्तों। ये आइए ज़रा समझते क्या कह रहा है, लिखिए ज़रा। जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना क्या कहा भाई मैंने, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना का होना अनुचित एवं अनावश्यक हो तो अनुचित एवं अनावश्यक होने का भाव प्रकट हो होने का भाव प्रकट हो, ठीक है भाई। अर्थात क्या होगा भाई, जरा समझिए। अर्थात कार्य हुआ किंतु नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं भाई, इतनी बातें ज़रा गौर करिएगा आप लोग। हमने क्या कहा कि जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना का होना अनुचित एवं अनावश्यक था, यानी कि वो काम नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी वह काम हो गया दोस्तों। तो हम क्या करते हैं भाई तो क्या करते हैं भाई, नहीं होगा यानी किंतु वो नहीं होना चाहिए था, भाव प्रकट था, कार्य हुआ किंतु नहीं होना चाहिए था। अर्थात नीड एवं डेयर नॉट हैव प्लस B3 का प्रयोग होता है। इतनी ही बातें ध्यान दीजिए भाई, हमने क्या कहा एक एक बातें, कि कार्य अथवा घटना का होना अनुचित या अनावश्यक था लेकिन वो कार्य हुआ किंतु नहीं होना चाहिए था। अर्थात वो निगेटिव का भाव यानी कि नॉट डेयर नॉट नीड नॉट हैव B3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। जरा इनको हम स्ट्रक्चर में पिलोते हैं, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद नीड एवं डेयर प्लस नॉट प्लस हैव B3 देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों,
ये ठीक, ये इतनी बातें बताई जा रही हैं इन्हीं का, जैसे कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना था। जरा देखिए भाई एग्जाम्पल, आपको ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार नहीं करना था, अथवा या आपको ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं थी। ठीक है भाई, यदि, या फिर हम और कुछ समझ सकते हैं। देखिए भाई, आपका ऐसा व्यवहार करना अनुचित एवं अनावश्यक था। ये सब एक ही पार्ट है भाई, एक ही पार्ट है दोस्तों। यानी कि आपको ऐसा का व्यवहार नहीं करना था, या आपको ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको ऐसा व्यवहार करना अनुचित या अनावश्यक था, यानी कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठीक है भाई, तो यही स्ट्रक्चर होगा उसका। कैसे बनाएंगे, कैसे होगा भाई, ज़रा समझिए। सब्जेक्ट होगा, यू आएगा, उसके बाद नीड, नॉट, हैव, है ना, नीड नॉट हैव। अब क्या है भाई, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना था, बिहेव्ड हो जाएगा, बिहेव्ड लाइक दिस, ऐसा, लाइक दिस, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करना। ठीक है भाई, बातें समझ में आई, तीनों क्वेश्चंस एक ही है, आप समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो बताइए। देखिए, आपका ऐसा व्यवहार करना अनुचित या अनावश्यक था, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसका यही सेंस हो गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा कर दिया। प्यार दोस्तों, ठीक है, आइए भाई, आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे मैं कह दूँ नेक्स्ट, आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता, आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये क्या होगा, आपको यू यू नीड नॉट हैव स्टेड हियर, स्टेड हियर, ठीक है भाई, बातें यही समझ में, एक एक बातें अच्छे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई बातें समझ में भाई, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा नीड नॉट और डेयर नॉट, और इसके साथ ही हमारा ये मॉडल वर्ब का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ दोस्तों। तो मॉडल वर्ब एक दो नहीं प्यारे बच्चों, जब तक समझ में ना आए उसको कई बार वीडियो को आप रिवाइज करके पढ़िए, और कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। देखिए दोस्तों, किसी भी काम को, जैसा कहते नहीं है, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं प्यारे बच्चों। तो हम इनका एक अच्छा क्रम बनाएंगे, यानी कि
जैसे मैंने वीडियो डाला है वैसे आप नोट्स बनाएंगे और सारी चीज़ें एक एक करके लिखेंगे और उनको एक नहीं दो नहीं कई बार हम पढ़ेंगे या लिख करके पढ़ेंगे या फिर वीडियो को जो है स्पीड में बढ़ा करके, एक बार पढ़े तो बेसिक से पढ़ लिए, दूसरी बार पढ़े तो स्पीड बढ़ा दिए, है ना दोस्तों, तो कम समय में ज़्यादा अचीव होगा। तो आप रिवाइज करिए दोस्तों इनको, मॉडल वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं। देखिए दोस्तों ये रटने से नहीं आएंगी, इनको प्रैक्टिस करिए, बार बार इनको देखिए, समझिए कैसे एग्जांपल है, तब उनमें से आपको निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा इसलिए इसका प्रयोग किया गया है ना भैयो, तो आप उनका प्रयोग करिए। आइए अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कुछ ऑग्ज़िलरी वर्ब्स की, ऑग्ज़िलरी वर्ब के नियम की, जो आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके जाता है। ऑग्ज़िलरी वर्ब तो वैसे हमने पढ़ लिया है ना, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ ऑग्ज़िलरी वर्ब कुछ नहीं, एक दो पॉइंट है दोस्तों, वो देख लेते हैं समझ लेते हैं, कुछ विशेष खास नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। रूल ऑफ ऑग्ज़िलरी वर्ब, ठीक है भाई, रूल ऑफ ऑग्ज़िलरी वर्ब्स, चलिए आइए समझते हैं ये क्या कह रहा। ऑग्ज़िलरी वर्ब के निम्नलिखित प्रयोग हैं, ऑग्ज़िलरी वर्ब के निम्नलिखित प्रयोग हैं। अभी क्या है भाई, रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, अब ये क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये है भाई, किसी भी वाक्य में दो ऑग्ज़िलरी वर्ब को एंड से जोड़ करके बनाया जाता है। इसी पर चर्चा है कुछ, जैसे आपको मैं समझाने चल रहा हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं कह दूँ आप अभी समझ लीजिएगा भाई, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं है ना, दूसरा मैं कह दूँ आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये हमारा दो सेंटेंस है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इंग्लिश, ये लिख सकते हैं आप, यू कैन रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, इतनी बातें। ज़रा हम मानते हैं कि ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब पहले दूसरे सेंटेंस को जोड़ने पर, यानी कि इनको और इनको जोड़ दीजिए, ऐड टू सेंटेंसेस, ठीक है भाई, ये क्या होगा, यदि हम इनको ऐड करते हैं, ज़रा देखिए क्या होता है, क्या होगा भाई, यू कैन रीड इंग्लिश एंड यू शुड रीड इंग्लिश। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ देखिए, यू कैन रीड इंग्लिश एंड यू शुड रीड इंग्लिश, पर दोस्तों एक ही बात मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ, यदि दो ऑग्ज़िलरी वर्ब को कंजंक्शन से जोड़कर बनाया जा रहा हो, यदि उनकी क्रिया, यदि उनका मेन वर्ब एक ही दोस्तों, तो हम मेन वर्ब को बार बार नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, मेन वर्ब को कॉमन कर लिया जाता है, नहीं लिखते हैं। ठीक है भाई, ज़रा किस तरह से,
इस तरह से हमारा कहना यह है कि हम इनको कैसे कॉमन करते हैं, यू कैन ठीक है भाई, एंड यू कैन एंड आगे भाई शुड रीड इंग्लिश। बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, यू कैन रीड इंग्लिश एंड यू शुड रीड इंग्लिश। मैंने दो सेंटेंस को जोड़ा तो प्यारे दोस्तों ये वाला सेंटेंस हमारा गलत होता है कि जब देखिए ऑग्ज़िलरी वर्ब तो अलग है लेकिन मेन वर्ब हमारा सेम हो दोस्तों, तो हम मेन वर्ब को कॉमन कर लेते हैं, और जब मेन वर्ब को कॉमन कर लेते हैं तो ऑग्ज़िलरी वर्ब के साथ एंड को जोड़ करके फिर उसके बाद अपना मेन वर्ब एक में क्लियर कर देते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है भाई, यदि दोस्तों यदि यदि ऑग्ज़िलरी वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग हो, यदि ऑग्ज़िलरी वर्ब हो मान लो और मेन वर्ब क्या हो अलग अलग हो दोस्तों, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तब लिखाते हैं सारी बातें, है ना, समझिएगा पूरी बातें, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है भाई। मैंने कहा कि यदि अभी तक तो हमारा मेन वर्ब कॉमन था, है ना, दोनों सेंटेंसों में एक था, तो इसीलिए हम उनको क्या कर लेते थे कॉमन कर लेते थे। अब हमारा यदि मेन वर्ब ही अलग अलग हो तब क्या करेंगे भाई तो क्या कह सकते हैं भाई, आगे ज़रा देखिए चलिए भाई थोड़ी सी बच्चों आज प्रॉब्लम ये है कि गले से जो है प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप निश्चिंत रहें क्लास आपको मिलती रहेगी प्यारे दोस्तों। आगे आइए देखिए भाई, मैंने कहा यदि जैसे कहा कि आप अंग्रेजी, जैसे उसी पर ले लें, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ये पहला सेंटेंस पढ़ सकते हैं, दूसरा आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना भाई। जरा हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो यू कैन रीड, यू कैन रीड इंग्लिश, ये दूसरा यू कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है भाई इतनी बातें। अब ज़रा ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट है, ये सेंटेंस हमारा दो है, अब दोनों सेंटेंसों को ऐड करने पर, ठीक है भाई, ऐड टू सेंटेंसेस, ये ठीक है, जब दो सेंटेंसों को ऐड करेंगे भाई तो क्या होगा, यू कैन रीड इंग्लिश इंग्लिश एंड यू कैन प्ले क्रिकेट। अब देखिए भाई यहाँ अलग क्यों नहीं हुआ, यहाँ अलग इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि हमारी मेन वर्ब जो है वो अलग अलग है दोस्तों, जब मेन वर्ब हमारी अलग है तो ऑग्ज़िलरी वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आती है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है दोस्तों, यदि अलग अलग आती है तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या करता है जैसे आपके पास कुछ है यानी कि कैन रीड इंग्लिश दिया ना, अब यहाँ पर कैन आप कर दिए उसके बाद रीड, बाकी यहाँ का जो मेन वर्ब है
इस मेन वर्ब से अटैच ना हो करके अनअटैच होता है, तो ऑप्शन में ऐसे ही देता है। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, यदि जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसका जो है, इसका जो मेन वर्ब है वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है, तो यहाँ इसके मेन वर्ब को हम स्पष्ट कर देते हैं, ये यहाँ वाले के चक्कर में नहीं रहते हैं दोस्तों, वही मेरा कहने का तात्पर्य था। आइए ज़रा इसको हम लिख लेते हैं, लिखित रूप में लिख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए इनको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखित नोट्स आप बार बार पढ़ सकते हैं। हमने क्या कहा, किसी भी वाक्य में दो ऑक्सिलरी वर्ब, किसी भी वाक्य में दो ऑक्सिलरी वर्ब को एंड से या कंजंक्शन से जोड़कर वर्ब को कंजंक्शन से जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये बातें ज़रा देखिए आगे। ऐसी स्थिति में यानी जब जोड़ देंगे तो, ऐसी स्थिति में ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी स्थिति में दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एक समान रूप में प्रयोग या एक समान रूप ले तो मेन वर्ब को क्या कर लेते हैं दोस्तों मेन वर्ब को कॉमन कर लिया जाता है, है ना भाई। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेन वर्ब को कॉमन कर लिया जाता है। किंतु यदि दोनों मेन वर्ब देखिए भाई, मैंने क्या बताया कि यही बता रहा था कि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एक समान रूप ले तो मेन वर्ब को कॉमन कर लेते हैं, जो आपको मैंने बताया। किंतु यदि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब अलग लें, क्या लें भाई मेन वर्ब अलग अलग लें। ठीक है भाई, यानी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब अलग अलग रूपों में लें, अलग अलग रूपों में लें तो मेन वर्ब को स्पष्ट कर दिया जाता है दोस्तों है ना, ले तो प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब को स्पष्ट कर दिया जाता है, ठीक है भाई, स्पष्ट कर दिया जाता है, अन्यथा वाक्य
गलत हो जाता है क्योंकि क्रिया अनअटैच हो जाती है, क्योंकि मेन वर्ब अनअटैच हो जाता है, अनअटैच हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ बातें क्लियर हुई कि नहीं बताइए आप लोग। पहली बात तो बातें क्लियर हुई, मैंने क्या कहा जरा इनको एक एग्जांपल, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते आपको एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन रीड इंग्लिश, आपको एग्जांपल दे, यू कैन रीड एग्जांपल लिख ही लीजिए, तब उसके बाद बताते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, वही पहले वाला एग्जांपल नीचे लिख लीजिएगा समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, यू कैन रीड इंग्लिश, है ना भाई, ये पहला सेंटेंस था। और दूसरा सेंटेंस ये है, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड रीड इंग्लिश। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, जरा बताइए भाई। यू शुड रीड इंग्लिश, ये हमारा दो सेंटेंस है। यदि इन दोनों सेंटेंसों को हम मिला दें, है ना भाई, यदि हम इन दोनों सेंटेंसों को मिला दें, ठीक है, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, जरा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन रीड इंग्लिश एंड यू शुड रीड इंग्लिश। इतनी बातें ये निकल कर आती हैं, यू कैन रीड इंग्लिश, यू शुड रीड इंग्लिश, इतनी बातें निकल कर के आती हैं। ज़रा देखिए प्यारे दोस्तों, यू कैन रीड इंग्लिश एंड यू शुड रीड इंग्लिश, तो यहाँ पर जो पढ़ने का काम है, है ना, मैंने क्या कहा, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, ऐसी स्थिति में दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एक समान रूप ले तो, यानी कि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब कैन और शुड मेन वर्ब एक समान रूप में ले तो मेन वर्ब को कॉमन कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब रीड ली है, है ना, रीड इंग्लिश, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब शुड है, मेन वर्ब रीड इंग्लिश, है ना, ये तो हम इनमें जब देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो हम मेन वर्ब को कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, यू कैन एंड शुड रीड इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस सही होगा दोस्तों, ये गलत होगा। ठीक है भाई, समझना इतनी बातें, यही ये कह रहा, यदि अभी यहीं पर इसको समझ लें, यदि दोनों कह रहा है, किंतु यदि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब अलग अलग रूप लें, यदि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, तो यानी आप यह काम कर सकते हैं, और दूसरा मैं कह दूँ आप पढ़ सकते हैं, तो यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन रीड इंग्लिश, तो आप देखिए वहाँ पर एक, आप यह काम कर सकते हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, तो आप काम करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब तो कैन लगाए दिए, लेकिन हमको मेन वर्ब जो था उसको हमको डू दिस वर्क, डू करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ दोस्तों, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क एंड यू कैन रीड, ये इतनी बातें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, तो गलती कहाँ देता है, यू कैन, ठीक है भाई,
डू गायब कर देगा, यू कैन दिस वर्क, ठीक है, एंड यू कैन रीड, कैन रीड, तो आपको लगेगा कि यू कैन रीड आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिस वर्क लगा हुआ है, तो कहीं बताइए ये आपका एक जैसा है, नहीं है ना, अलग हो गया, यानी जो हमारी मेन क्रिया है वो अलग हो गई। जब मेन क्रिया अलग हो गई दोस्तों, तो हम उस मेन क्रिया को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, यू कैन डू, यू कैन रीड, है ना भाई, तो आप डू को यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा, यही हमको गलतियाँ देता दिया जाता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर सेकंड, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई, एक एक बातें, चलिए चलिए भाई, जरा दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसी में आप बहुत सारा एग्जांपल है दो, आप बहुत सारा काम किए हैं, आप बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है भाई, पहला हो गया, ये तो सेंटेंस फर्स्ट है। सेंटेंस दूसरा, मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारा काम करेंगे, आप बहुत सारा काम करेंगे, ये देख ज़रा इसका ट्रांसलेट करते हैं भाई, यू हैव, आपके लिए यू काम किए, हैव डन मच वर्क, काम कंप्लीट हो गया है भाई, इसीलिए हैव लगाया है, परफेक्ट हो गया है, आप बहुत सारा काम करेंगे, यू इन फ्यूचर की बात हो रही है, विल डू मच वर्क, है ना भाई, इतनी बातें। आइए ज़रा अब इन सेंटेंसों को मिलाइए, ज़रा क्या कह रहा है, ऐड टू सेंटेंसेस, ये इनको ज़रा मिलाइए, इनको ज़रा जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, यू हैव डन मच वर्क एंड यू विल डू मच वर्क, अब ये ज़रा बताइए भाई, यू हैव डन मच वर्क, यू विल डू मच वर्क, क्या हो जाएगा भाई, बताइए भाई ज़रा, देखिए दोस्तों यहीं पर आपको ऐसे गलती देखा, मैं इसको ऐसे कर दूँ, यू हैव ठीक डन मच वर्क है ना भाई, यू हैव एंड यू विल डू मच वर्क, ठीक है, तो क्या बताइए भाई ज़रा, ये सेंटेंस हमारा सही है, सेंटेंस हमारा सही है या गलत है भाई, यानी कि आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ डू है और यहाँ हैव के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, हम देखिए जब वहाँ पर रीड आता है ना, रीड आया था, यू कैन रीड दिस इंग्लिश, यू कैन रीड दिस इंग्लिश आया था ना भाई, आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, आपको अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर कैन और शुड के साथ दोनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, लेकिन विल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको भी स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल के साथ तो डू लगा दिया, ये डू लगा दिया, लेकिन हम हैव के साथ क्या डू से काम चला सकते हैं,
नहीं चला सकते ना, यहाँ पर हमको तो डन लगाना पड़ेगा ना, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है भाई, आई बात समझ में? इतनी बातें, आइए ज़रा भाई। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के भिन्न भिन्न पर्सन के, यानी पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन, भिन्न भिन्न पर्सन के अलग 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 सब्जेक्ट, भिन्न भिन्न पर्सन के अलग अलग सब्जेक्ट सब्जेक्ट आए तो प्रत्येक सब्जेक्ट के पश्चात, प्रत्येक सब्जेक्ट के पश्चात यानी कि बाद क्या होगा भाई? पश्चात ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को स्पष्ट कर दिया जाता है, स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, भावार्थ के अनुसार, यानी कि जब किसी वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन आए और अलग अलग सब्जेक्ट आए, है ना, भिन्न भिन्न पर्सन के अलग अलग सब्जेक्ट आए, है ना भाई, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के पश्चात ऑक्सिलरी वर्ब को स्पष्ट कर दिया जाता है। जरा एग्जांपल देखिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल समझिए। टू आर प्रेजेंट बट वन आर एब्सेंट, एब्सेंट। जरा बताइए ये क्या सही है भाई? टू आर प्रेजेंट बट वन आर एब्सेंट, मैनी, यहाँ लिख रहा हूँ, मैनी आर एब्सेंट, मैनी आर एक्टिव जिसको कह सकते हैं, मैनी आर एक्टिव बट या एंड, मैनी आर एक्टिव एंड सम आर डल, मैनी आर एक्टिव एंड सम आर डल। ज़रा बताइए भाई, सम डल कह दें अब यहाँ समझने के लिए। ज़रा बताइए, टू आर प्रेजेंट बट वन आर एब्सेंट। प्यारे दोस्तों, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, किसी वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के अलग अलग सब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट हों, आप ऐसे मान लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट हों, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी कि जब टू आया है तो टू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आ गई ऑक्सिलरी वर्ब, आ गई, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ वन आया है इसलिए वन के लिए ही जाएगा, आएगा कि नहीं भाई? ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, इज लगा करके सही कर देंगे। मैनी आर एक्टिव, मैनी के लिए प्लूरल में आर आ गया, ठीक है। सम के लिए देखिए, सम डल कर दिया, तो सम भी प्लूरल होगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां देता है एग्ज़ाम में, जो आप ऐसे जानते रहिए, इसको सही कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा पार्ट, और मॉडल वर्ब ख़त्म हो गया। ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के रूल थे जो हमने बता दिया। अब हमारा टेंसेस स्टार्ट हो गया दोस्तों, कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।